आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की एक ऐसी नई रेसिपी जिसे शायद आपने इस तरह से पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने अरबी को एक सीटी आने तक उबाल लिया है। इसके लिए टिप्स हैं कि अगर आपकी अरबी ज़्यादा उबल जाए तो आप इसे आधे घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में लगा दें। अब हमने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया है कि अरबी जो है बहुत ही स्टिकी होती है। अब हमने इसे हाथों की हथेली में बीच में दबाते हुए इस तरह से फ्लैट कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। 2 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है और हम इसमें 4 स्पून कर्ड की यूज़ कर रहे हैं। ये फ्रेश कर्ड है, इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से 2 स्पून वाटर भी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से फूल जाए। अब इसमें ग्रीन चिली डालकर 5 मिनट के लिए लीव कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। और ये जो हमारी अरबी हैं जिन्हें हमने फ्लैट कर लिया था, अब उन पर इसे स्प्रेड कर देंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से जब हम इसे बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमने 2 स्पून ऑयल लिया है अब, और इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें अजवाइन ऐड की है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब ये जो हमारा अरबी जो मसाले से फिल थी उसे अब हमने डाल दिया है इसमें। 1/2 स्पून अमचूर पाउडर, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड किया है। फ्रेंड्स, हमें इसे पलटना उलटना नहीं है, सिर्फ हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए, दोनों तरफ से हमें इसे सेक लेना है, कम से कम 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट एक तरफ से। इस तरह से जब आप इसे बनाते हैं फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। देखिए जिस तरह से ये हमारी अरबी हुई है, मैं आपको जूम करके भी बताती हूँ। हमें इस तरह से इसे सेकना है। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये पूरी पराठा और चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।